म्यूजिक हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे प्लस का पे टैप कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे 4.5 वाला रेसू सेलेक्ट कर लीजिए, रेजुलेशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। देन एक यहाँ पे आपको इमेज की जरूरत होगी, उससे पहले एक सॉन्ग ले लेते। तो फिर सॉन्ग जो भी आप लीजिएगा, आपको टेक्स्ट उसका वर्ड बाई वर्ड यहाँ पे टाइप करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोई इस टाइप का सॉन्ग आप चूज कीजिएगा जिसमें वर्ड बाई वर्ड ही सॉन्ग के बीट के हिसाब से आता हो, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, ऑडियो में चलते हैं। कोई भी सॉन्ग आप ले लीजिएगा जिसमें भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे ये वाला, तो मैं इसका अधूरा लिया हूँ। तो इसमें हो जाता है कि इसका अलग हम कर लेते हैं, अधूरा अलग कर लेते हैं। इसी टाइप से एक एक वर्ड मेरा मिल जाता है लाइटिकल्स के लिए। तो इस तरह का सॉन्ग आप लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब स्क्रीन पे टैप करेंगे, प्लस करके मैं क्लिक करेंगे, मीडियम में जाएंगे। मीडियम जाने के बाद जिस भी इमेज पे आप एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली ले लीजिए। जैसे मैंने इस वाले इमेज को ले लिया, मैंने ये वाली इमेज पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड किया था। तो आप भी इस तरह की इमेज आप ले लीजिएगा तो आपकी एडिटिंग काफ़ी सॉफ्ट होगी। तो फ्रेंड्स, इसे लेने के बाद आपको कहना ये वाला जो एरो देख सकते हैं, इस पर एक बार टैप कर दीजिएगा। फिर से एक बार टैप कीजिए तो सॉन्ग के लास्ट में आ जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कीजिए, आपका जो पिक्चर है उस लास्ट तक आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, एड इफेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे प्रोसीडर में चले जाइएगा। यहाँ पे सिंपल स्टार्ट फील्ड का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके स्टार्टिंग में जाइएगा, एक की लगा लीजिएगा, इसके लास्ट में एक तो की लगा लीजिएगा। वाई जो यहाँ पे आप देख सकते हो, वाई को सिलेक्ट कीजिएगा, इसे 200-300 कर दीजिएगा, मतलब 300-400 के आसपास कर दीजिएगा। तो ऊपर से जो डॉट पार्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉट पार्टिकल कुछ इस तरह से दिखता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपका सॉन्ग जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाइएगा। तो मेरा सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना जो भी लाइरिकल से उसे टाइप कर लेना। तो मेरा फर्स्ट लाइरिकल से इश्क, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इश्क। देन इसे अलाइन करेंगे, रोबोटो रेगुलर पे क्लिक कीजिए। ये वाला फॉन्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इसे ले लीजिएगा। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं इसे 32 रख देता हूँ। देन इसका कलर जो है व्हाइट कर लीजिएगा और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे उठाकर आपको ऊपर की तरफ कर लेना है, जितना पे आप रखना चाहते हैं सेंटर में रख लीजिएगा। इसे सेंटर में करने से पहले आपको एक इमोजी यहाँ पे ऐड करना है, मतलब PNG ऐड करना है। तो सबसे पहले इस लाइरिकल्स को देख लीजिए कहाँ तक है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट वाला लाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे इश्क तो अधूरा, यहाँ से नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब इस टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आ जाइए, स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस करके क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो भी PNG मैंने आपको दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो उस PNG को ले लीजिएगा और प्लस कर लीजिएगा। तो ये वाला PNG यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा ताकि आपको एडजस्ट करने में आसानी हो। यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा और ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे ये एडजस्ट सही से हो जाता हो आपके पिक्चर पर, जिस तरह से यहाँ पे। अगर ये वाला पिक्चर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोनों को बराबर कीजिएगा, PNG जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दीजिए। कुछ इस तरह से आ गया। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। यहाँ पे शैडो का ऑप्शन आता है तो इसे इनेबल कर लीजिएगा, शैडो का यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। इसी तरह से इमोजी को भी सिलेक्ट कीजिएगा, मतलब PNG जो है इसे, और बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, शैडो में जाकर इसे इनेबल कर दीजिएगा और इसे भी 0 कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब PNG जो है इसमें हम इफेक्ट देंगे, तो PNG को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, या 3D का जो ऑप्शन आता है इसे सेलेक्ट कीजिए, फिल्म लेयर में चलिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा और इसके बीचों बीच आ जाइएगा। जितना बड़ा PNG है उसके एकदम बीचों बीच आ जाइएगा, यहाँ पे एक तो प्लस कर लीजिएगा, दूसरी साइड में आइएगा और इसे माइनस में 90 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, तो इसे हम 90 डिग्री परफेक्टली रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते ये रहा और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरी साइड में आइएगा और इसे प्लस में 90 डिग्री कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा यहाँ पे और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसे उठाएंगे दूसरी साइड में, पूरा लास्ट में कर देंगे। तो फिर सब देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा कर्व देंगे, तो यहाँ पे कर्व वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और इसे पूरी तरह से इस साइड में कर लीजिएगा और इसे इतना तक रख लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी कर्व कर लीजिएगा, दूसरी साइड में आइएगा, यहाँ 3 डॉट पे फिर से क्लिक कीजिएगा, फेस्ट कर्व कर लीजिएगा। ये फ्लिप वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, रोटेट हो जाएगा दूसरी साइड में। अभी यहाँ से बैक आइए, फ्लिप लेयर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर शेडल में जाइएगा, यहाँ पे स्ट्रिप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। यहाँ स्ट्रिप्स पे क्लिक कीजिएगा, इसका काउंट जो है इसे 0.5 कर लीजिएगा, विथ को 0.10 कर दीजिएगा, तो परफेक्टली यहाँ पे देख सकते ये रहा 10, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे फेस पे क्लिक कीजिए, फेस के स्टार्टिंग में आ जाइएगा, परफेक्टली यहाँ पे प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे 1.35 कर देना है, ठीक है। तो इसे हम 1.35 कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे, और ये रहा बस थोड़ा सा और ये रहा,
ठीक है 35 मैंने परफेक्टली इसे कर दिया। देन दूसरी साइड में चलिएगा और इसके मतलब टेक्स्ट के मतलब सॉरी ये PNG जो इसके लास्ट में, और यहाँ पे प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे परफेक्टली जीरो कर दीजिए। इसके बाद नीचे कीजिएगा, कलर में चलिए, कलर में जो भी कलर आपको रखना है उसे रख लीजिए, ज़्यादातर ये कलर वायरल होता है तो मैं इसे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्मूथिंग पे क्लिक करेंगे, ये 0.10 है तो इसे 0.030 कर देना है। परफेक्टली इसका काम हो गया खत्म, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्मूथिंग 30 कर दीजिए, यहाँ से बैक आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट सॉरी PNG जो था इसका काम खत्म हो गया। अब ये टेक्स्ट का काम हमें करना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, इसे एडजस्ट कर लीजिए बीचों बीच, यहाँ पे जो हार्ट है इसके बीचों बीच एकदम से कर लीजिएगा टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट में आपको इफेक्ट देना है, तो सबसे पहला इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ से बैक आना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ आपको ओपेसिटी विजुअलिटी में चलना है। देन यहाँ पे फीड इन आउट का ऑप्शन है तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इन को आपको 0.20 कर देना है, ठीक है, और आउट को 0 कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से बैक आ जाना, बैक आना, टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट के बीचों बीच आ जाएगा, और यहाँ मूवे ट्रांसफॉर्म में आएगा, इसे प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद सॉरी इसके बीचों बीच नहीं आना है, ये वाला की एक ठो बीच में लगा लीजिएगा, और मतलब एक ठो स्टार्टिंग में की लगा लेंगे और एक ठो लास्ट में, लास्ट वाले पे प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद आप इसे किसी भी एक साइड में कर दीजिएगा, जैसे मैं इसे इस साइड में कर दिया हूँ, और इस तरह से देख लीजिए रेड लाइन जो आ रहा है बीचों बीच इस तरह से आ जाए, ठीक है। इसके बाद दोनों की के बीच में आ जाइएगा जो की लगाए हैं उसके, और ये कर्व पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसे पूरी तरह से नीचे की तरफ इस तरह से कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कर दिया। तो अभी जब इसे आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे फ्लिप होकर आएगा, टेक्स्ट आपका दिखेगा, फिर यहाँ से टेक्स्ट चला जाएगा, फिर यहाँ पे हार्ट जो है सो फ्लिप हो जाएगा। फर्स्ट लाइट कल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लाइट कल्स के लिए आपको क्या करना है, इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी टू लेयर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे आइएगा, फिर इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट हो गया। देन यहाँ पे अब आपको इसे चलाकर एक बार देख लेना सेकंड लाइट कल्स आपका क्या है। तो यहाँ तक आ रहा है फर्स्ट, तो इसे हम लेकर आएंगे, तो इस वाले को सिलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आगे तक आ गया। नेक्स्ट वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आगे तक आ गया, ठीक है। अभी आपको ये जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे मूवे ट्रांसफॉर्म में चल रहा है, सेकंड वाला जो की लगाया थे उस पर आ जाइएगा, और फिर इस टेक्स्ट को दूसरी साइड में लेकर कर देना है इस साइड में, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है उसे पूरी तरह से इस तरह से देख लीजिए, लाइन बीचों बीच आ जाए, ठीक है। अब इसका जो हमें टेक्स्ट चेंज करना है, तो सबसे पहले तो इसका लाइट कल्स क्या है, इसका अधूरा, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं, एडिट टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमें टाइप कर देना है अधूरा, अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गया इसका अधूरा। अब राइट क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देख सकते फर्स्ट वाला इस साइड गया, यहाँ पे देख सकते ये फर्स्ट वाला जो है इस साइड गया, अब सेकंड वाला दूसरी साइड में चला गया। यहाँ पे अगर आप जो ये वाला कलर देखते हैं, ये जो हार्ट पे कलर आ रहा है इसे चेंज करना चाहते हैं, तो हार्ट वो सेलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, एस्ट्रिप्स में जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, कलर वाले ऑप्शन में जाइएगा, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उसे रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसे रेड कर दिया। तो अलग अलग सभी लाइट कलर्स के साथ अलग अलग इमोजी आप रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो ये हार्ट फ्लिप कर रहा है तो इस साइड से इस साइड फ्लिप कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरी साइड फ्लिप करें तो उसके लिए इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाएगा, फ्लिप पे जाएगा, और ये वाला इस साइड में जो की लगा उसे इस साइड में लेकर आ जाएगा, और इस वाले की को इस साइड में कर दीजिएगा इस तरह से। तो फर्स्ट लाइट कल्स और सेकंड लाइट कल्स हमारा कंप्लीट होगा, अब इसी के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो हम कॉपी किए ही थे, तो यहाँ पे आइएगा और इसे पेस्ट कर दीजिएगा, थर्ड वाला इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे प्ले करते हैं, दुनिया यहाँ तक आ रहा है दुनिया, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया उसे कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कट हो गया। फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा जो है सो कट कर देंगे। अब थर्ड वाला तो हो गया, अब इसके बाद वाले के लिए इस दोनों को आपको कॉपी करना होगा, इस दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को टैप कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाना है और इसे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर दीजिएगा, जो इसका लाइट कल्स उसे चेंज कर लीजिएगा, इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका स्टेटस बन जाएगा, आप अपना लोगो इंट्रो जो भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। वीडियो आपके बनकर तैयार हो चुकी है, तो सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना है सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे एक मिनट दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।